कि HPCL IOC शेयर को नजर रखिए। HPCL कल बड़ी गेन आई थी 9% की, आज भी मोमेंटम इसने बरकरार रखा है, अपनी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सुबह के गेन्स गिव अप करके फिसला था, अब वापस मोमेंटम में आ रहा है। इनफैक्ट तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कल और आज एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। चोपड़ा साहब, ट्रैक करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कोई राय इन पर, क्योंकि एक जो डर था कि अब से नेशनल इलेक्शन तक इन्हें प्राइस सेंसिटिव रहना पड़ेगा, आगे दामों में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे, इस स्टेट इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो डर दूर होते हुए दिख रहा है, और कच्चे तेल के दाम भी काफी तौर तक $80 के नीचे अब रेंज में आ गए हैं। क्या राय रखते हैं स्पेस पर सर? निश्चित रूप से एग्जिट करें, IOC BPCL HPCL तीनों को बहुत अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है। मुझे लगता है तीनों ही ओवरबॉट टेरिटरी में हैं, कभी भी गिरावट हो सकती है, तो प्रॉफिट बुक करें। मैं बिल्कुल रीआइटरेट करूंगा, स्ट्रांगली बोलूंगा प्रॉफिट बुक करें। हो सकता है यहां से भी थोड़ी और ऊपर चला जाए, मगर मेरी सेंस ये कहती है कि जब CCI आपका 400 के लगभग हो, RSI भी आपका बढ़ा हुआ हो, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए। नीचे गिरे दोबारा लीजिए, तो तीनों बहुत अच्छी कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, और मुझे लगता है करेक्शन होगी। और मार्च के परस्पेक्टिव से यदि आप लेना चाहते हैं, IOC बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है, तो यदि गिरावट में आपको इंडियन ऑयल जैसी कंपनी मिले, BPCL जैसी कंपनी मिले, तो बिल्कुल लेनी है। मार्च के परस्पेक्टिव से दोबारा बोल रहा हूँ, डिविडेंड के परस्पेक्टिव से, मगर अभी फिलहाल एग्जिट करना चाहिए। IOC इज अ गुड बाय अराउंड 9800, और HPCL और BPCL भी यहाँ से मुझे लगता है 10-1% अगर नीचे 10-15% नीचे मिलते हैं तो बिल्कुल खरीदने वाला बनता है, मगर जिनके पास अभी पोजीशन है एग्जिट करिए, फ्रेश पोजीशन ना लीजिए। अब पोजीशन है तो एग्जिट करिए, फ्रेश पोजीशन नहीं लीजिए, बट हाँ डिप पर जरूर ले सकते हैं, डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है। ये राय आ रही है चोपड़ा साहब की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, कल और आज के बीच में बढ़िया यहां पर एक्शन बना है। आइए कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं जहां से आज आपको जबरदस्त मूव दिखी।